दोस्तों आज हम आए हैं बिजनौर के कृषक मेले में। सामने वाइस ग्राउंड प्रदर्शन मैदान है, इसमें कृषि मेला लगा हुआ। उसी को हम दिखाएंगे, विभिन्न स्टॉल लगी हुई हैं और कृषि यंत्राएं हैं। आपको तरह तरह के कृषि यंत्र और ट्रैक्टर दिखाएंगे मेले में, और दूसरा आप देखते रहिए। आपके विषय की जानकारी के बदल जाए, किस प्रकार का आचरण हमें अपने साथी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, अपने आप विभिन्न यंत्रों को, ट्रैक्टर्स को देख सकते हैं कृषि मेले में। जैसा कि मैंने थोड़े पहले बताया था कि हमने इस मेले और गोष्ठी के माध्यम से ये प्रयास किया है कि जनपद के जितने भी नवोन्मेषी कार्य हैं, वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे अगर ब्लॉक के करते हो, चाहे मोहम्मदपुर देवगढ़ ब्लॉक के या जलीपुर ब्लॉक के, उनको स्प्रे फार्म पर ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य हमने किया है। और इस कार्य के प्रेरणा स्रोत हमारे हमारे पदाधिकारी महोदय हैं, जिन्होंने बहुत सारी मीटिंग है हमारे जो प्रैक्टिशनर कृषक हैं या जो नए नए आइडिया हो सकते हैं उनको हमारे कृषक बन के हमारे जनपद में कई ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की। वो गन्ना बेकार हुआ हो, रोग लग रहा हो, गांव में जाते हैं पहले चीज देखने को नहीं मिलती, पानी भरा हुआ नहीं मिलता था, परंतु जब से ये सुविधाएं आई हैं दोबारा फिर और मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी भी बैठे हैं। विभिन्न तरह के फर्टिलाइजर और कीटनाशक और गन्ना साइज देख सकते हैं। काफी तरह के कृषि यंत्र यहाँ पर आए हुए हैं, कृषि मांग काम आने वाले यंत्र और छोटे बड़े ट्रैक्टर देख सकते हैं आप। एक ही खेत में कई कई फसलें
सब्जी भी हो रही है, दलहन भी हो रही है, खाद्यान्न भी हो रहा है, गन्ना भी खड़ा है, 12 फीट में गन्ना खड़ा हुआ था, 12 फीट में बोने के बाद भी 7 क्विंटल जैविक से निकल रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी कड़ी में श्री धर्मपाल सिंह जी ग्राम अग्रिक आप ही लगभग तभी से और वो देश जहां पर कृषि नहीं थी वो आज भी जरूर नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारा कृषि का क्षेत्र निरंतर जिला कृषि मेला बिजनौर और किसान भाइयों ने जिस प्रकार से लगन के साथ कृषि यंत्र और ट्रैक्टर उनके लिए एक ताली बजती है, चक्कर ताली बजाने का क्षेत्र भारत के लिए उन्होंने गन्ने का महत्व क्या है ये बताने का काम किया। और यहाँ मेरे किसान भाई बैठे हैं कि उन्होंने कृषि को कहाँ तक लेकर के गए ये सब किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी मैं तो सोचता था कि हम सभी किसानों के बारे में इतने बार इतना ज्यादा जानकारी रखते हैं, इतना ज्यादा मनन करते हैं, खेती को परखना बहुत कम ऐसे जिलाधिकारी यहाँ पर आए जिन्होंने इस प्रकार से किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुभाष वाल्मीकि जी से अनुरोध करूंगा कृपया विकास खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किसान भाइयों को सम्मानित किया जा चुका है। अब मैं हमारे जनपद की शांति व्यवस्था को देख रहे जिले के लोकप्रिय कप्तान साहब से अनुरोध कर ये सब बड़े ट्रैक्टर लगे हैं जो कैंपिंग और फार्मर उड़ाया थे। आज हम कह रहे हैं शिक्षा की तरफ
प्राइमरी पाठशालाओं में बाहर से जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, कहते हैं ज्यादा पी सकती है और मैं भी कहना सीख गया है और बाप बा पिताजी कहना भूल गया है। तो जहाँ ऐसी शिष्टाचार लिखा कमरे कौन है, ये छोटे बड़े मॉडल के ट्रैक्टर तो जॉय साहब ने सम्मान के जो कि ये किसान है जिन्होंने इसको कैसे कोकृता का पेट पालने वाले का काम किया, आप सम्मान के पास आ गए, लेकिन ये दिया किसने आपको, आप भूल रहे दिया किसने, जमींदारी सोचा होती कि मेरा जन्म गुलाम भारत में हुआ, अच्छी और जन्म गुलाम भारत में, लेकिन मैंने वो समय देखा कि जब देश आजाद हुआ तरह की दवाइयाँ और कृषि में काम आने वाले कीटनाशक मत्स्य पालन ये काय का यंत्र है भैया, गेहूँ काटना, अजय गेहूँ काटने का, ये जुताई के लिए है उसका, वो सौदा दीवार है मैं रुपया बटर दीवार से बेटा 50,000 रुपया पकड़ लूंगा। प्रोसेसिंग भी करते हैं, पैकेजिंग भी करते हैं। आप राहुल चौधरी के पिताजी आए हैं, एक बार तालियां बजा करके किड्स को वो सम्मानित करते हैं। आपने केला बोले के बने कर दिया था कि राहुल जी ने श्री परम सिंह शेर सिंह सॉरी श्री शेर सिंह शाहपुर भसौली जलीलपुर किसान भाइयों की भीड़ पूरे जिले से आए हुए किसान भाई